महाराज उसके तन पर, उसके शरीर पर जो भस्म रमी होती है, उसके शरीर पर जो लगा हुआ होता है, जो उसके करीब में होता है, वो साधारण नहीं होता। जो दिया महाराज, वो कहते ना, जो दिया मेरे सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। जो दिया वो कम ना दिया है, बहुत दिया, उसने कमी नहीं छोड़ी है। भक्ति और मुक्ति, एक क्षण की अगर भक्ति मिली है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, और एक क्षण की मुक्ति मिली है तो वो वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। भक्ति और मुक्ति समय को नहीं देखती कि 3 घंटा है कि 4 घंटा है कि 5 घंटा है कि 6 घंटा है कि 7 घंटा है। वो भक्ति और मुक्ति का तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी भी भारी होती। रोज 100 ग्राम से 200 ग्राम भोजन करते हो आप लोग, 2 रोटी दाल चावल सब्जी सलाद पापड़ मिस्सी रोटी मीठा नमकीन, सबको कल एक तराजू में तोल कर देखना कि तुमने कितना भोजन किया, तोल तोल के खाना, 200 ग्राम 250 ग्राम 150 ग्राम 300 ग्राम, 200 ग्राम भोजन आप लोग प्रतिदिन करते हो और 200 ग्राम भोजन में से पेट में 200 ग्राम गया है, पर उस 200 ग्राम गए हुए भोजन में से मात्र 20 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? 20 बूंद खून बना। बाकी का जितना खाया तो वो भ्रष्टा में चले गया, गंदगी में पहुंच गया। 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून में से एक बूंद बल की बनी जिससे ये शरीर चल रहा है। 200 ग्राम में से 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून में से एक बूंद हमारी ताकत की, हमारी बल की बनी, जो इस शरीर को एनर्जी दे रही है, बल दे रही है और चला रही है। अब सोचिए, 200 ग्राम भोजन में से सारा की सारा खाया व्यर्थ चले गया, केवल 20 बूंद खून बना और एक बूंद खून हमारे शरीर में बल बनकर काम आया। उसी तरह 3 घंटे की कथा में कोई एक क्षण की कथा ऐसी होती है जो हमको परमात्मा से मिला देती है, बाकी के तो चली जाए। पूरी कथा आपके भीतर नहीं उतरेगी। आप ये तुम कितनी भी तैयार होके आ जाओ, चाहे डेंटिंग पेंटिंग करके आओ, चाहे सिर पे पल्लू रख के आओ, चाहे तुम कितनी भी सोच के आओ कि मैं पूरी कथा सुनूंगी, मैं बस कथा सुनने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को कथा सुनना है, कहीं पे भी बैठ के सुनूंगी। तुम तो सोच के आई, पर तुम्हारी पड़ोसन क्या सोच के आई, उसको मालूम क्या? वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं वो पाँव रख दे, कहीं वो हाथ रख दे, कहीं वो पानी उंडेले मुंडा में, कहीं वो का छोरा रोए, कहीं छोरी रोए, कहीं LED गड़बड़ हो जाए, कहीं माइक गड़बड़ हो जाए, कहीं TV वाला गड़बड़ हो जाए, तो ये तो सब चलता है। कभी कभी महाराज गड़बड़ हो जाए, उसमें कोई तो कभी कभी ये ढोलक पेटी वाला हमारा दीनानाथ गड़बड़ हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो। तो ये तो सब चलता रहे, उतनी देर में भी फिर कहीं का खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तुम्हारे सामने से निकल के जाए, तुम कितनी लगन लगा के बैठी थी, एक टकी से कथा सुनूंगी, सवेरे कितनी बजे में हम सोचे कि बहुत सारी धर्मशालाएं हैं सालासर जी में, तो सब जगह पर खूब जनता ठहर जाएगी, मालूम पड़े धर्मशालाएं तो सब भर आ गई, बता रहे थे पुजारी परिवार, और मालूम पड़े कि पंडाल में लोग भरे पड़े हुए, रात्रि को भी सो जाते हैं। हमने कहा सवेरे नहाते धोते कहाँ, स्नान स्नान कहाँ करते? अरे गुरुजी इनका कोई ठिकाना हो तो इनका कहाँ, नहा के भर के आ जाओ, वापिस बैठ जाए।
और सवेरे से बैठे 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 कितनी बजे, 4 बजे कथा चालू हो, 7 बजे छूटे, उसके बाद 2-2.5-3 घंटा तक ट्रैफिक जाम। क्यों मिठू जी है पुजारी जी, अब 2-3 घंटा ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ से गाड़ी नहीं निकले, वहाँ से नहीं निकले, और सब एक दूसरे ठेला मारे ने, कोई खाने में लगा, कोई कुछ करने में लगा। हमने कहा यही बालाजी की मौज है, तुम कहीं पे भी रहो, साला सर जी आओ तो हनुमान जी कहते मेरे जैसे हो जाओ। बाबा जी कहे किसी के देखने में नहीं, क्योंकि बहुत VIP हैं तो हमको VIP जैसे रहना, हमें देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए, और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, आज मेरा जमाई राजा बना, आज मेरा दामाद राजा बना, और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है, तो उसको लोग बुला के माला माला पहनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पहनाए, माला पहनाए, टोपी पहनाए, है कारण एक ही रहता है, इसलिए पहनाते हैं क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालने। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से, जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले, हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही कहते। नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आयो, 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जायो, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले, अकेले नहीं आओगे, भरत शत्रुघ्न मांडवी उर्मिला शुद्ध कीर्ति लक्ष्मण सबको लाना, कि ठीक है अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी हैं, आए कि ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा, ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार 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 टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा, राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा, एक काम करना राम जी, इन सब को ले आना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए, रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा, सुनो रे सब, सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना कि ठीक है, गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले, आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी, यहाँ बैठ गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति सब, बेटी कौशल्या के कई सुमित्रा विभीषण सुग्रीव सब आए, उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परोसने वाले आ गए, पूड़ी भजिया पकोड़ा दाल बाटी चूरमा बाफला मिस्सी रोटी पापड़ सब आया,
और उसके बाद जब भोजन पूरा आया तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूँ सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक गई। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली पकड़ी वो पकड़ के जो थाली के पास गिरे तो पूंछ से थाली तर 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 सारी, सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे, ऐसे खाना है। अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई, राम जी बोले हम कल खा लेंगे, अब इनको खा लेने दो। तो जितने सालासर जी आए उनसे निवेदन है कि यहाँ VIP बन के मत आना, यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है, जैसा वो जिमाए वो जीम लो और जैसा वो रुका है वैसा रुक लो। यहाँ VIP नहीं है, यहाँ तो मेरा बाला सरकार है, यहाँ तो बालाजी मारा है, वो रुकाता है जैसा रुक लो। कई साल से राजकुमार जी जायसवाल कई साल से लगे थे सुराना जी, उनका एक ही कहना था, एक बार साला सर जी चलना है मेरे साथ, हमारे साथ एक बार चलना है, एक बार चलना। कई साल से लगे हुए थे, बाबा की कुछ कृपा थी, आपका परिवार कथा का आनंद लिया, रुकना हुआ यहाँ भी वहाँ भी, दोनों जगह का अलमस्त आनंद। 5 दिन हैं, भक्ति के हैं, भजन के हैं, ज्यादा से ज्यादा समय तो हम लोग पाठ और पूजन में लगे रहते हैं। जितनी बार भी आप पूछिएगा मंदिर के आदरणीय पुजारी जी से, मिट्टू जी से, तो आप जितनी बार भी पूजेंगे हम अंदर पाठ नहीं रहते, जितना बन सकता है उतना पाठ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। आए हैं तो भजन करो, बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ मिलता और उस तीर्थ में भी अगर भजन नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सालासर धाम तो मेरे मोहनदास जी महाराज परम पूज्य 1008 संत श्री मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ के कण कण में बैठकर उन्होंने हनुमान को ढूंढा है। सेवा का अगर कोई क्रम सीखना है तो संत श्री मोहनदास जी महाराज जी से सीखो। छोटी सी अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर बच्चे छोटे और कोई भी नहीं है, जाओ मोहन तुम कानी भाई के साथ में चले जाओ और उनके परिवार का स्मरण कर उनकी देखरेख करना जाओ। और बहन भी हो तो कानी भाई जैसी, जो अपने मोहन के लिए लड़की ढूंढती है कि मेरे भाई का विवाह करना, मेरे भाई की शादी करना। पर तप बल मोहनदास जी का कितना प्रबल होगा, बहन ने शादी भी पक्की कर दी, संबंध भी जोड़ दिया, पर मोहनदास जी कहते हैं जीजी मेरी शादी मत कर भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा हनुमान जी में रुचि है, मैं नहीं विवाह करूंगा, नहीं मैंने तो पक्का कर दिया, आज रकम जाएगी, आज साड़ी जाएगी, आभूषण जाएंगे। और कानी भाई ने बुलाया खवास को, गांव के विद्वानों को, और सामान देकर भेज दिया कि उस गांव में चले जाओ। तो मोहनदास जी बोलते हैं किसके लिए सामान भेज रही, वो तो मर गई जो मैं उससे शादी करने वाली थी, उसकी तो अर्थी उठ रही। अरे क्यों आप शब्द बोलता है मोहन, क्यों आप शब्द बोलता है? कानी भाई बोली ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे तेरी शादी हो रही है तू कह रहा है कि वो मर गई। हाँ मालूम पड़ा है इसे अपशब्द क्यों बोल रहा है मोहन। नहीं मानी कानी भाई, भेज दिया खवास को और सबको सामान लेकर। मालूम पड़ा कि जिससे शादी हो रही थी उसकी तो अर्थी निकल रही थी। कानी भाई ने अपने भाई से पूछा, वीरा तेरे को कैसे मालूम पड़ा रे? ए वीरा
तुझे मालूम कैसे पड़ा कि जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो चले गई? मोहनदास जी कहते हैं, मैं जब श्री हनुमान जी महाराज से कल बात कर रहा था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बहन मेरा विवाह कर रही है। तो हनुमान जी बहुत तेज ठहाका लगा कर हंस दिए, बहुत तेज ठहाका लगा कर हंसे। मैंने पूछा, सरकार क्यों हंस रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं, मोहन, जिससे तेरा विवाह होने वाला है वो तो कल मरने वाली है, इतनी वजह उसके प्राण छूट जाएंगे, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नहीं मोहन, मैं हूं ना, परमात्मा से अगर संग जुड़ गया, संबंध उससे हो गया, तो वो कहता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी जन्म के समय पर माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, तो मरने के समय पर अग्नि और कफन भी मैं दूंगा, तू क्यों चिंता करता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो भजन कर, स्मरण कर। एक बार अगर विश्वास पक्का है और विश्वास का बल पक्का है, तो वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होगा, ये निश्चित है। तुम दृढ़ी तो हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के तो हो जाओ, तुम शिव की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम राम और कृष्ण की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम जिसका भजन करते हो उसकी भक्ति में पक्के हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम शंकर का भजन करो, आप तो जिससे तुम्हारी अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको पटा लो। हम तुम पर बोझ नहीं थोप रहे कि तुम्हारे पर बोझ है कि तुम शंकर जी को भजना ही पड़ेगा, कि तुम्हें शंकर जी का गुणगान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम्हारी अलमस्ती है, तुम्हारे पास में तो बफेट है, तुम जो खाना चाहो खाओ, तुम्हारे पास में तो 33 कोटी देवता, तुम्हारा जिसमें मन लगे उसमें लगा। हमारा मन लगा है शंकर में, तुम दिल में तो वो छुपा है, भले वो जिभ्या पर। आज एक जयसवाल भवन में आए थे वो महाराज, उनकी आंख में, दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू थे और बड़े खुशी भी थी, रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंख में अश्रु भरा हुआ है। कहा, गुरुजी 17 साल का बेटा मर गया, 17 वर्ष का बेटा था, पत्नी का रजोधर्म बंद, 17 साल का युवान के युवान बेटा चले जाए, उस माता पिता की दशा क्या होगी जरा विचार करिएगा। बेटा चले गया, गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, एमसी प्रेट नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी, जिसमें कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापिस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूँ, मुझे वही लड़का वापिस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हों तो जरूर खड़े हों, वाच आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हों तो अवश्य खड़े हों महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे, 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव, ये शंकर, ये शिव की उदार, ये शंभू की उदार। अब दुनिया चाहे इसका विरोध करे चाहे अनुरोध करे, ना हमको बहुत संस्कृत आती है, ना बहुत हम विद्वान हैं, हम तो नंबर बन के ढोल, हम तो ये मान लो,
जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना कि मैं तो गवार, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो राम जी की कृपा से मैंने रामायण लिख दी, उसी तरह हमें भी कुछ नहीं आता, ये तो शंकर जी की कृपा से शिव पुराण बच गई, बस और कुछ भी नहीं। और क्या पता शिव जी ने क्यों बचवाई है आपके, क्यों शंकर जी ने पकड़ कर रखा है। और जितने लोग इस कथा में आए हैं ना, मेरा दिल से विश्वास कर कर कहता हूँ, जरूर शिव जी ने आपका एक ना एक, छोटा ना छोटा या बड़ा ना बड़ा, कोई काम जरूर करा होगा, तभी आप सालासर जी कथा में पहुंचे। ऐसे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है, और अभी भी खाली नहीं भेजेगा वो यहां से, मेरा विश्वास कहता है। और डबल डबल देकर भेजेगा, इधर से ये देगा, उधर से मूछ पर ताव देकर वो देगा, अच्छा करेगा, खाली नहीं भेजेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो कब दे देता है, कैसे दे देता है, ये मालूम नहीं है, पर देता जरूर। वो कहते ना, कब से श्री बालाजी सरकार की, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से उससे कहें कि हम इस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा कार्य सफल करना, तेरी कृपा से पहुंचे हैं, मुझे विश्वास है कि तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली बसा, क्यों न सुने तू मेरे पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। भाव से दिल से कहें बाबा का मंत्र जाप। कहते हैं शिव पुराण के सम्मुख में इस मंत्र का स्मरण करना आप भगवान से दिल की बात करने के बराबर है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव संग से बाबा को कहा। दशरथ जी ने पुकारा, और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले, आशुतोष तुम ओघड़ दानी, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो, मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिव जी ने राम जी से पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने से रोक रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है। राम जी बोलते हैं, स्वामी मुझे वन जाने दो, मुझे जगत का कल्याण करना है, दोनों की बात रह जाए। पर देखा, अगर राम वन की ओर जाएंगे तो प्राण छूटेंगे, कुछ करा जाए। राम जी ने कहा, मेरे सम्मुख में अगर मेरे पिता के प्राण जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है, आप महाकाल हो, काल को जीत सकते हो, इसलिए कुछ समय
कृपा करो कि यह काल रुक जाए। करा किया रुका काल। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दशरथ जी ने भी राम जी का शिव जी का स्मरण करा था। आप भी करो, करो। समय आया, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ना आए। कोई आपको अगर भरमाए भटकाए, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ये कर लो, हमारे यहाँ वो कर लो, तुम आओगे बैठोगे, चार बार तीन बार दो बार एक बार आते रहना, हम करते रहेंगे, तो मुश्किल मुश्किल। आप हमें पहचानते हो, कभी हम आपसे मिले हैं कहीं? कहीं आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ, केवल टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी और दिल से आपने बाबा से मांगा, दिल से मांगा बाबा से, तो बाबा ने दिल से दिया भी, कमी नहीं छोड़ी उसकी कृपा। महाराज कामदेव को जीत कर नारद जी का अभिमान बढ़ गया और नारद जी ने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। पर रुद्राक्ष शिव का सिद्ध किया हो, शंकर भगवान का जो मूल रुद्राक्ष है वो शिव के ही द्वारा प्राप्त हो, कोई कीमत रुद्राक्ष की नहीं होती, कोई कीमत नहीं। आप दिल से उसको पुकारो, मन से आनंद से प्राप्त होगा। आप अपने घर में रहकर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से जब जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो, दिल से करो, तो आप भगवान से कहकर कर देखना कि बाबा मुझको एक रुद्राक्ष चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, मुझे दे, आएगा देगा। अब वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, बस तुम जानो और तुम्हारा बाबा जानो। अब कहो दिल से उसको पुकार, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, प्रयास करना। श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं, और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं, इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते, एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है, तो प्रयास करिएगा दुर्वा, दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, सात दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए। इसी श्राद्ध पक्ष दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी ज़्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं
वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिवजी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें उसका फल आपको मिलेगा। कर कर आप शिवजी से स्मरण, अहंकार देवऋषि नारद का तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कह दिया तुम ये बात किसी से नहीं कहना, फिर भी अभिमान अभिमान ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं टूटता, टूटता है। माता जानकी जब विवाह कर आई, 8 दिन तक माता जानकी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया था। आठ दिन तक माता जानकी ने अवधपुरी का जल नहीं पिया, भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने कहा बहू को कोई बात का बुरा लग गया होगा इसलिए पानी नहीं पी रही। पता करिए सीता पानी क्यों नहीं पी रही अयोध्या का, भोजन क्यों नहीं कर रही जानकी अयोध्या का, पता करो जरा। सबने पूछा, सुमंत्र जी ने पूछा नहीं बताया, कौशल्या जी ने पूछा नहीं बताया, माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा बेटा जानकी क्या बात है, कोई बात हो गई क्या, तुम जिस दिन से विवाह कर आई हो तुमने अयोध्या का पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कोई बात है तो बोलो ना, मन में कोई बात को रखना नहीं, कह दो जो कहना है। मां ऐसी कोई बात नहीं। केकई आई और केकई ने पूछा क्यों जानकी, तुम्हारे चढ़ावे में कोई चीज कम चढ़ी थी क्या, जो तुम्हारे तुम यहां अवधपुरी में भोजन नहीं कर रही हो। हो सकता है एक बहू को ज्यादा चढ़ गया हो, दूसरी को कम चढ़ गया हो, तो दूसरी के मन में आ जाता है उसको ज्यादा चढ़ा, मैं क्यों बोलूं। तो हो सकता है तुम्हारे मन में, नहीं नहीं माँ ऐसी, तो फिर क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही। माँ केवल एक कारण है, मेरे पिता जनक जी कहते थे और मेरे गुरु जी कहते थे जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का भोजन नहीं किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। केकई ने पूछा तो यहाँ कौन के हाथ से हत्या हो गया, मेरे ससुर भांजे के हत्यारे हैं। ओ केकई ने कानों पर हाथ रखा, पहले अपनी वाणी को विराम दे, शब्द बोलने से पहले सोच ले के सीता क्या शब्द बोल रही हो तुम। अग्नि की तरह बात दशरथ जी के कानों में पहुंच गई और दशरथ जी के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचा तो दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपदी का मारा जल भरने गया बेचारा, श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। जब बाण लगा श्रवण कुमार नीचे गिरे, दशरथ जी दौड़ कर आए तब श्रवण कुमार को गोदी में रखा, पूछा कौन हो, श्रवण कुमार दशरथ जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं माँ माँ जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पाँव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। दशरथ जी ने पूछा श्रवण तुम मुझे मामा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा मामा कैसे। श्रवण कुमार ने कहा मेरी माता से मैं रोज पूछता था माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है, आज आपके मस्तक पर जो तिलक देखा ना तो उससे पहचान गया कि तुम मेरे मामा हो। ये माथे का तिलक बता देता है कि कौन सी कंपनी के माल हो, कौन सी ब्रांड के हो, ये तिलक बता देता है। दो सफेद बीच में लाल राम जी वाले, यूमार का तिलक कृष्ण जी वाले, त्रिपुंड लगाया शिव जी वाले, बिंदी लगाई देवी जी वाले, थोड़ा काजल
एक काजल की बिंदी लगाई पंडरीनाथ वाले, लाल कुंकू और काजल तो कहा ये हनुमान जी भर, और लंबा खींच दिया तो कहा ये भगवान नारायण। तो यहाँ यहाँ तो कंपनी में देखी जाती है। और हम आपसे भी कहेंगे जिंदगी में एक बात का स्मरण करो, तुम्हारे गले में कंठी है नहीं है, रुद्राक्ष है नहीं है, तुम्हारे गले में कोई माला पड़ी ना पड़ी, तुम्हारे मुख से मरते समय राम निकला कृष्ण निकला शिव निकला नहीं निकला वो तुम्हारी मर्जी, पर एक काम चालू कर दो कि मस्तक पर तिलक लगाना चंदन लगाना कुंकू लगाना चालू कर दो। क्यों? मरते समय अगर कुछ भी नहीं होगा, प्राण छूटते समय जो दवाई की बोतल होती है उसका ऊपर का लेवल अगर फट भी जाता है तो नीचे एक सील लगी होती है, इससे पहचान में आ जाता है कि कौन सी ब्रांड की दवाई है। तो तुम्हारा भी एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब बेकार हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, अगर ये बल्ब बेकार हो जाए तो कंपनी का माल वापिस कंपनी लेगी, दूसरी कंपनी वाला नहीं लेता, कंपनी का माल कंपनी में जाता है। तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और प्राण छूट गए तो शिव की फैक्ट्री में जाओगे, और नारायण का लगा है तो नारायण की फैक्ट्री में, बिंदी लगी है देवी की फैक्ट्री में, तुम जिस कंपनी के माल हो उसी कंपनी में पहुंचोगे। इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है माँ माँ जी भेद बता देना कि तू मात को नीर पिला दे, मैं तेरा मामा कैसे, आपके मस्तक पर तिलक देता इसलिए पहचान गया। प्राण छूट गए, हाथ में जल लिया, जल लेकर दशरथ जी जब पहुंचे क्या देखा, यहां तो मेरी बहन सुहांगी बैठी है अपने पति शांति मुनि के साथ। दशरथ जी की एक ही बहन थी सुहांगी जो शांतिन मुनि के साथ भी आई थी। श्रवण मेरा भांजा रो पड़े, श्रवण आ गए, आग का आंसू सुहांगी के चरण पर गिर गया। सुहांगी ने आंसू पर हाथ फेरा तो आवाज लगा कर कहा ये अश्रु तो मेरे भैया दशरथ का है, भैया तुम्हारा भांजा आता होगा जल लेकर। केवल एक बहन ऐसी होती है जो भाई का चेहरा पढ़ लेती है, केवल बहन एक ऐसी होती है जो भाई का स्वरूप देख लेती है, बहन केवल एक ऐसी होती है मायके में भाई अगर दुखी है तो बहन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुहांगी कह रही है तुम्हारा भांजा आता होगा। दशरथ जी शब्द कहे शांति मुनि ने श्राप दे दिया, मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं तुझे, अश्रु है। सीता गलत नहीं कह रही है कि मेरे ऊपर भांजे की हत्या का दोष लगा है, पर क्या करूं मैं। गुरु विश्वामित्र उस समय पर वहीं थे क्योंकि विवाह कराकर लेकर आए थे बहू को, केवल गए नहीं थे। गुरु बाबा वशिष्ठ भी वहीं थे, वहीं बुलाया गुरुदेव मेरे पर से भांजे हत्या का दोष कैसे मिटेगा। गुरु जी ने कहा 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। दशरथ जी ने कैकेयी से पूछा बोलो सीता जी को कहो ऐसा करा दे तब तो वो घर में भोजन करेगी पानी पिएगी। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया, कई कई बहुएं ऐसी होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास बता रही है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना ले वो नहीं बनाएगी, उसकी मम्मी ने जो सिखाया वैसे ही बनाएगी चाहे तुम माथा भिड़क लो, तो मायके के मेथड से ही चलेगी चाहे कुछ भी हो। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। तो तेरे पिताजी ने क्या बताया? जानकी जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में भोजन किया हो, ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना किसी के घर जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठा कर भोजन करा दीजिए, दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामन नहीं मिला, साला सरजी में हो तो भेज दो, जो कभी किसी के घर पानी ना पिया हो, जो कभी किसी के घर में भोजन ना किया हो, जो कभी किसी के घर मुंह झूठा ना करा हो, किसी ने एक अन्न का दाना चाय पानी किसी के मुंह पर अपने मुंह पर किसी के घर का ना लिया, ऐसा ब्राह्मण ढूंढो
कहीं अयोध्या में नहीं मिला। तब दशरथ जी ने पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो हमारे यहाँ भेज दो, सीता भूखी है, भोजन नहीं कर रही। जनक जी ने पत्र लिखा, पूरी दुनिया में ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, केवल एक ब्राह्मण है जो ना किसी के यहाँ खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। केवल एक ही ब्राह्मण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, क्योंकि इसको कोई ना तो खाने बुलाता है ना पानी पीने बुलाता है, क्योंकि हे बामन पर प्रवृत्ति राक्षस की है। दशरथ जी ने लिखकर भेजा जनक जी को, तो इतना राक्षस प्रवृत्ति का हमारे यहाँ काय को खाने आएगा, कि तुम बोलो तो सरी, हो सके कहीं बुद्धि फिर जाए। पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। रावण के यहाँ पत्र जाना था, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी ने पाती पड़ी तो रावण के पास पहुंच गई। स्वामी, रावण ने पूछा क्या बात है मंदोदरी? मंदोदरी कहती, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं कंधे पर जनेऊ पहनता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते? मंदोदरी कहती है, इसको कोई ब्राह्मण कर्म कहते? ब्राह्मण कर्म तो वो होता है जो जजमान के यहाँ भोजन करने जाए, दक्षिणा लेकर आए। और रावण बोला, मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसकी बुद्धि मारी गई जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी बोलती है, फालतू की बात करना बंद करो, ब्राह्मण का लक्षण यही है, एक केवल धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को परमात्मा के दरवाजे भेज देती है, और वो मंदोदरी थी, राम के दरवाजे पर रावण को भेजा। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, और एक होती है पत्नी। अब देखिए दोनों में अंतर है, रावण की मंदोदरी कैसी थी? पत्नी की धर्म पत्नी, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, धर्म पत्नी। और धृतराष्ट्र की वो पट्टी बांधी हुई गांधारी, वो कौन थी? पत्नी। वो केवल धर्म पत्नी नहीं है, अगर धर्म पत्नी होती और इसको मालूम है कि मेरे पति की आंखें नहीं है और मैं इनसे शादी कर रही हूं, तो आंख खोल के रहती। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना नियम है कि पति बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में भर्ती और उसको बाटल चढ़ रही और धर्म पत्नी जाके के मेरे को भी चढ़ाओ, मैं तो ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो जम के। पति अगर बीमार है तो पत्नी का फर्ज क्या है? धर्म पत्नी का उसकी सेवा करना, जल्दी ठीक हो जाओ, मौसम्बी का जूस बनाना, एप्पल काट के देना, दवाई समय पर देना, स्नान कराना, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर पति आंख से अंधे थे तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली, जैसे तुम वैसे हम, तुम भी बैठे रहो हम भी बैठे। इसको धर्म पत्नी कहेंगे? सुन लो रियो राजस्थान वाली, जी जी अच्छे से सुन लो जरा, धर्म पत्नी का लक्षण है, अगर घर में कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो, घर में सब सुखी तो आप भी सुखी हो, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर कभी भोजन करने? रावण कहता है, मुझे कौन बुलाएगा, मुझे कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा, हे अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी, उन्होंने आपको भोजन करने बुलाया, जाओगे? रावण बोला, मेरे को भोजन कराने में भी दम चाहिए, कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बुलाया है तो व्यवस्था भी तो वैसी करी होगी, जाओ तुम, ठीक है। रावण जाने लगा, मंदोदरी बोली, ऐसे ही जाओगे? रावण बोला, तो कैसे जाना है, ये मुकुट रख के जाओगे तो राजा नहीं कहलाओगे, ब्राह्मण कोई मुकुट पहन के जाता है क्या? रावण ने अपना मुकुट जमीन पर रख दिया, अहंकार के मुकुट को रावण ने जमीन पर रखा, तब राम के दरवाजे चले। अब बताओ
जब अहंकार छोड़ कर राम के पास जाओगे तो राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम मिलेगा, मेरा प्रभु राम अवश्य मिलेगा। रावण गए, आलख जगाई, दरवाजे पर सूचना गई दशरथ जी के, एक ब्राह्मण आया है भोजन करने के लिए। दशरथ जी दौड़ कर गए, दौड़ कर गए, और दौड़ कर जाकर दशरथ जी महाराज ने रावण को देखा और रावण के चरण को पखार रखा कि ब्राह्मण आया है। अब रावण के चरण को दशरथ जी पखार रहे हैं, जब रावण के चरण को दशरथ जी पखार रहे हैं तो राम जी एक झरोके में से देख रहे हैं कि मेरे पिता रावण के चरण पखार रहे हैं। जैसा पिता करता है बेटा वही की वही कार्य करता है, ये नियम है। एक गुरुजी आने वाले थे और माता पिता ने अपने बच्चों को समझा दिया था, सुनो शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, प्रणाम करना हो, ठीक है। शाम को गुरुजी आए, माँ ने कहा बेटे से चल प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने दो धर के दिया, गुरुजी है प्रणाम क्यों नहीं करता? रोने लगा बच्चा, बच्चा रोया। अब जब बच्चा रोया तो पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी है प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी दो धर के दिए। इतने में गुरुजी ने पूछा काय को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? तो गुरुजी बोले वो नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब माता पिता ने जैसे झुक के प्रणाम करा, बच्चे ने देखा तो बच्चे ने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उन्होंने प्रणाम करा तो इनने पूरा करा। राम जी ने देख लिया दशरथ जी चरण धुला रहे हैं तो मुझे भी चरण धुलाना पड़ेगा। आज दशरथ जी ने धुलाए, जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई कोई विद्वान पंडित नहीं मिला, तब हनुमान जी लंकाधिपति रावण को लेकर आए थे और रावण ने पूजन कराई थी। जब रावण ने पूजन कराई तब राम जी ने रावण के चरण धोए तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही दिया विजय भव होने का आशीर्वाद, इतनी देर में तो हनुमान जी पास में खड़े तो उन्हें कोनी मार के कहा हार गया क्या? रावण बोला हारा मारा नहीं हूं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहां गुरु की गादी है, गुरु की गादी पे मर्यादा में रहना पड़ता है, गुरु के चरण धुलाए हैं इसलिए गुरु ने आशीर्वाद दिया है। युद्ध के मैदान में तो भले मर जाऊं पर लड़ूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। लड़ूंगा जरूर चाहे कुछ भी हो, बड़ी मर्यादा रखना पड़ती है। साहब मंदिर में अगर पूजन कर रहे हो और खुद की धर्म पत्नी भी अगर दर्शन करने आई है तो जो आरती पूजन कर रहा होता है, भले वो ब्राह्मण हो पंडित हो पुजारी हो, उसको ये स्मरण करना पड़ता है कि यहाँ पर मेरी पत्नी नहीं खड़ी है, एक भगवान बालाजी का दर्शन करने के लिए है, एक दर्शनार्थी खड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं। बेटा भी आया तो दर्शनार्थी है, पत्नी भी आई तो दर्शनार्थी है, पिता है तो दर्शनार्थी है। जब तक वो बालाजी सरकार के पास में है, जब तक वो बाबा के पास में है, जब तक वो परमात्मा के पास में है, तब तक वो बेटा नहीं, तब तक वो पति नहीं, तब तक वो 1008 संत श्री मोहनदास महाराज है। जब तक वो अंदर है तब तक वो परमात्मा का स्वरूप, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम कौन हो, उसकी भक्ति। चरण धुलाए, रावण अंदर गए भोजन करने के लिए, पूछा बोलो ब्राह्मण देवता भोजन बनाए, भोजन की तैयारी करें, क्या बनाए आपके लिए? ब्राह्मण से हमेशा पूछ के भोजन बनाना चाहिए, खीर बनाऊं, हलवा बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं बताओ, तुम बताओ, मैं बता दो, बोलो। रावण ने कहा एक शर्त पर भोजन करूंगा, क्या? भोजन अगर सीता बनाएगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब जाकर सबने सीता जी से कहा जानकी जी भोजन बनाओ, सीता जी बोली मैं भोजन क्यों बनाऊं, अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। ऐसा सुना है पहली बार अगर बहू भोजन बनाती है
तो अपने पितरों को जिमाती है, ससुर सास को जिमाती है या पति को जिमाती है? ना तो ये मेरा पितर है, ना ये मेरा ससुरा है, और ना ये मेरा कोई, तो मैं भोजन क्यों बनाऊं? विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, ब्राह्मण जब भोजन करता है तो वो घर के पूर्वजों के भाव से करता है, या पितरों को मानकर भोजन कराए बनाइए। सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन करा, दशरथ जी थाली लेकर आए तिलक करने के लिए, और दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको, लो दक्षिणा मांगिए। रावण कहता, सुनो दशरथ जी महाराज, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, जिसने मुझे भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा भी वो ही देगी, उसको बुलाओ। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो, सीता, बुलाओ उसको। माता जानकी आई, सिर पे पल्लू, हाथ जोड़कर खड़ी है, बोलिए, ब्राह्मण देवता, दक्षिणा क्या दूं मैं आपको, बोलो, क्या दूं मैं दक्षिणा, बताओ आप क्या दिया जाए। रावण कहते हैं, सीता को देखा ऊपर से नीचे तक, और देखकर कहा, जो मांगूंगा सीता वो तुम दे दोगी? सीता जी कहती हैं, बिल्कुल मांगिए, मैं दे दूंगी, मना नहीं, आप मांगो, बोलो बोलो क्या चाहिए। रावण कहता है, फिर सोच लो सीता, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, आप मांगिए, मैं दूंगी, बोलो क्या चाहिए। रावण ने कहा, दक्षिणा में सीता, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? जम के बोलो, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी बोली, रावण, लंकेश, ब्राह्मण देवता, अगर मेरे पिता जनक जी के यहाँ आते और मैं कुंवारी होती, जो मांगते वो दे देती, अब मेरी शादी हो गई है, मैं ससुराल में हूँ, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि सीता जी जानती हैं, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है, वो दे सकता है, ये सीता जी जानती। सीता जी गई, राम जी के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा, स्वामी, दरवाजे पर ब्राह्मण भोजन करने आया है और उसने दक्षिणा में मुक्ति मांगी है, दे दूं? राम जी ने कहा, दे दो सीता, उसे मुक्ति दे दो। सीता जी कहती हैं, स्वामी, आपने तो कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो, पर आपको मालूम है, जब तक रावण की लंका में भक्ति नहीं जाएगी, तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, रावण के लिए मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं, आप जानते नहीं, आपकी इस अर्धांगनी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी, तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिलेगी। राम कहते हैं, तुझे लंका भेज दूंगा, तुझे लंका भेज दूंगा, आवाज पकड़ रहा, तुझे लंका भेज दूंगा, जाओ। सीता मैया लंका पहुंची, रावण के हृदय में भक्ति बैठी, ऐसी भक्ति रावण के हृदय में बैठी कि सपने में भी राम दिखता था रावण। ये भक्ति का बल बड़ा है। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनकर सोते हो ना, तो तुम्हारे भी सपने में शंकर ही दिखता है। कई कई तो आधी रात को चिल्ला पड़ती, हार हार, फिर पति उठाता है उसको, ए जगदम्बा चंद्र घंटा, तेरे हाथ जोड़ू उठ जा, क्या हुआ ये बता, क्या हुआ, मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? मैं साला सरजी में बैठ के कथा सुन रही थी, ओहो, कहाँ बैठी थी कि दीवाल पे चढ़ के, फिर कुछ नहीं, मैंने दोनों हाथ छोड़ के हर हर महादेव बोला तो नीचे टपक गई, और कुछ बस यही। पति बोला, रही हो, ए चंद्र घंटा, जरा शांत, तेरे हर हर महादेव बोलने से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, तू चिल्लाई और मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो गया। होता है कभी कभी, बहुत
भगवान शंकर के जो भगत होते हैं ना, दर्शन करने जाते हैं ना शिव जी के मंदिर में, तो अड़भंग चिल्लाते हैं। शंकर जी के मंदिर में तुम खड़े रहो ना तो थोड़ा देखना, बड़े बड़े लीला वाले आते हैं, बहुत भयंकर चिल्लाते हैं, बहुत भयंकर। यहाँ भी बालाजी सरकार के दर्शन करने आते होंगे, उनको देखना तुम अच्छे खड़े सब दर्शन कर रहे थे, इतने पीछे चिल्ला दिया बालाजी। दाद दाद छोटे मोटे बच्चे हो तो रो पड़े, मम्मी मम्मी के गोदी में आ जा बेटा, हम डर गए तो तुम ना डरोगे, राजा गोदी में आ जा। वो तो पुजारी परिवार का बल दमदार है, इसलिए नहीं डरते, चिल्ला भी देखेगा बालाजी। भगत आया है, भगत सीताराम 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 सीताराम। शंकर जी के जितने भगत हो वो चिल्ला पड़े, हो जाता है। भक्ति के बल पर मुक्ति है, और देखो रावण के हृदय में भक्ति पहुंची, सीता पहुंची, और रावण को राम राम दिख रहे चारों तरफ, राम हर जगह पर महाराज प्रत्येक। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर रावण को राम नहीं दिख रहा। आप हृदय से कहेंगे वो हृदय से सुनेगा। समय आया, पार्वती मैया का विवाह जो शिवजी से हुआ था, कार्तिकेय षडानंद का प्रागट्य, तारकासुर का वध किया। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तारकासुर का वध किया। तारकासुर के तीन बेटे तारका, विदुम्माली और कमलाक्ष, ये तीन। शंभु शरणे तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। भगवान शंकर ने इन तीनों का संहार करा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। क्या नाम पड़ा है जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ, पशुपति व्रत। आप में से कितने लोगों ने करे, सबने करे, अरे करो करो, बहुत बढ़िया। पशुपति व्रत का नियम है, सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना पूजन करना, अभिषेक आदि करना, उसी पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाना, रख लेना, एक समय फलाहार सुबह के समय आराम से कर लो। उसमें जरूरी नहीं कि नमक या मीठा, जैसा फलाहार आप कर सकते हो वैसा करो। शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत या शाम के समय पूजा की थाली में कितने दिए रखते हो, 6 दिए। प्रसाद का हिस्सा घर से 3 करके नहीं जाना है, इकट्ठा लेकर जाना, वहां जाकर 3 करिएगा। प्रथम दिन जब व्रत करो शिव जी से प्रार्थना करना, मेरी यह कामना है बाबा आप पूरा करना, मैंने सुना है आप मनोकामना पूर्ण करने वाले। जब संसार में अगर दुख आता है, कष्ट आता है, तो पशुपति अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, पशुपति नाथ के उस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और जब घर में संकट आता है तो पशुपति व्रत किया जाता है। दुनिया के लोग भले कहते हैं कि ये व्रत कहाँ लिखा, सियोर वाला गुरुजी ने मन से चालू करा दिया, पर अगर शिव पुराण अगर दिल से पढ़ोगे तो आप अच्छे से अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें पशुपति व्रत की महत्वता लिखी है। आप दिल से अगर पढ़ोगे
दुनिया के लोग भले कह देते हैं कि ये सीवर वाले महाराज ने नया व्रत चालू करवा दिया, आप उसको पढ़ो तो आप अच्छे से पशुपति व्रत का स्मरण करिए। आप शिव महापुराण को पढ़िए, उसमें लिखा है पशुपति व्रत की विधि। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लाओ, उसमें लिखा है पशुपति व्रत विधान विधि। पशुपति अस्त्र की अलग वर्णन है, पशुपति अस्त्र उसका विधान करो दिल से। शिव मंदिर में थाली लेकर जाओ, पूजन करो, पांच दिए शंकर भगवान के सामने रखो, छठा दिया नीचे रखो पर उसको जलाना नहीं। प्रसाद के तीन भाग कर भगवान को भोग लगाओ और उस दिए को जो लगाया नहीं है उसको वापस थाली में रखो, विनती करो। प्रसाद के दो हिस्से मंदिर में रखो, एक हिस्सा वापस लेकर आओ, शंकर भगवान से प्रार्थना कर अपने घर आए। जब घर में प्रवेश करें सीधे हाथ पर दिया लगा दें और पूजन कर भगवान से प्रार्थना कर दिए को लगाकर प्रार्थना करके अंदर की ओर प्रवेश करें। पांच व्रत, कितने व्रत? पांच व्रत। पांचवा व्रत जब पूर्ण करें, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को निवेदन कर दिल से बाबा को समर्पित करें, जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करें। शाम को जो प्रसाद लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसी को खाना है, उसी को प्रसाद के उसी हिस्से को खाना और फिर भोजन ग्रहण करें। प्रसाद में से किसी को भाग नहीं दें, अपना प्रसाद अपने को ही पशुपति व्रत का पाना। ऐसा भगवान शंकर का स्मरण हुआ, आगे वर्णन आया है, सुंदर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। माता पार्वती श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे भाव भक्ति से। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है, कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, चौथा दिन भाव भक्ति।